इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है HIV/AIDS। सबसे पहले हम HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो डायग्राम में देखिए, ये एक लिपिड मेम्ब्रेन है और इस लिपिड मेम्ब्रेन से कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स एसोसिएटेड हैं। यह ग्लाइकोप्रोटीन्स इस वायरस की हेल्प करेंगे होस्ट सेल के मेम्ब्रेन रिसेप्टर से अटैच होकर उस होस्ट सेल को इन्फेक्ट कराने में। फिर ये देखिए, ये एक प्रोटीन कैप्सिड है जो कि वायरस के जीनोम को कवर करा हुआ है। यह HIV एक रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस का मतलब होता है ऐसे वायरस जिनका जीनोम RNA हो। तो HIV के पास दो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं RNA के। अगर आप मेडिकल एस्पिरेंट हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। और RNA के साथ ये देखिए, कुछ एंजाइम्स एसोसिएटेड हैं जिनको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। ये एंजाइम्स होस्ट सेल में एंटर करने के बाद इस RNA की हेल्प करेंगे टू कन्वर्ट इनटू DNA, और वो DNA सेगमेंट फिर होस्ट जीनोम के साथ इंटीग्रेट होकर इस वायरस को रेप्लिकेट करने में हेल्प करेगा। इस डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे कि रिट्रोवायरस किसी होस्ट सेल को कैसे इन्फेक्ट करता है और होस्ट सेल में कैसे रेप्लिकेट करता है। तो वायरस दो तरह से अपने किसी भी होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ डायग्राम में देखिए, तो ये अपने ग्लाइकोप्रोटीन्स की हेल्प से होस्ट सेल की मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के साथ अपने आप को अटैच कर दिया है, और यहाँ से बाहर ही इसने फ्यूज़ करके कैप्सिड को रिलीज़ कर दिया है होस्ट सेल के अंदर। दूसरा तरीका हो सकता है कि वह पूरा का पूरा वायरस ही एंडोसाइटोसिस के थ्रू होस्ट सेल के अंदर चला जाए। एंडोसाइटोसिस से जब ये अंदर जाएगा तो लाइसोसोम में इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हो जाएगा, रिलीजिंग द कैप्सिड अलोंग विद RNA एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस RNA को कन्वर्ट कर देंगे DNA में थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये DNA न्यूक्लियस के अंदर जो होस्ट सेल का जीनोम है उससे इंटीग्रेट कर लेगा और होस्ट सेल की मशीनरी यूज़ करके ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा अपने DNA का, वायरल DNA का, और एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दो तरह के RNA बनेंगे, जीनोमिक RNA और mRNA। mRNA प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और यह प्रोटीन मॉलिक्यूल्स असेंबल होंगे अलोंग विद जीनोमिक RNA और ये वायरस बनाना शुरू कर देंगे, और ये वायरस जब मैच्योर हो जाएगा तो ये होस्ट सेल को छोड़कर अब ये बाकी नेबरिंग सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार है। रिट्रोवायरस का इन्फेक्शन और रेप्लिकेशन अभी हमने डायग्राम की हेल्प से डिस्कस किया है। वह सारे स्टेप्स यहाँ हमने फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिए हुए हैं। अगर आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह फ्लो चार्ट आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, और एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी यह फ्लो चार्ट काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो यह क्वेश्चन काफ़ी स्कोरिंग होता है। HIV से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो HIV मैक्रोफेजिस को सबसे पहले इन्फेक्ट करता है और उसमें अपने संख्या को बढ़ाता है, मैक्रोफेजिस में रेप्लिकेट करता है। इस वजह से मैक्रोफेजिस को हम HIV फैक्ट्री भी कहते हैं। और जब ये मैक्रोफेजिस में रेप्लिकेट करके अपना नंबर बढ़ा लेता है तो अब यह टी सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू करता है। टी सेल्स में भी बिल्कुल उसी तरह से अपनी साइकिल चलाएगा, टी सेल्स में भी रेप्लिकेट करेगा अपने आप को, और धीरे धीरे टी सेल्स का नंबर कम होता चला जाएगा, क्योंकि जब यह वायरस किसी सेल्स में, इनका होस्ट सेल में इनका नंबर काफ़ी बढ़ जाता है तो वो होस्ट सेल बर्स्ट हो जाती हैं, और वह किसी, वैसे भी यह कोई अपना काम नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वायरस ने इनकी मशीनरी पे टेक ओवर कर लिया है और वह अपने काम करवा रहा है होस्ट सेल से। तो इस तरह से धीरे धीरे टी सेल्स का नंबर कम होता चला जाएगा। ह्यूमन डिजीजेस वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। तो इस वजह से जो HIV पॉजिटिव पर्सन होते हैं, पीपल होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम प्रोग्रेसिवली वीक ही होता चला जाएगा। अब हम एड्स और HIV पॉजिटिव में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या डिफरेंस है जब हम किसी पर्सन को बोलते हैं कि ये HIV पॉजिटिव है और यह एक एड्स का पेशेंट है। दोनों वोकैबुलरी में, दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। तो एड्स, HIV पॉजिटिव होने का मतलब होता है द मोमेंट अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स HIV, उसी मोमेंट से वो HIV पॉजिटिव हो गया है। लेकिन जैसे जैसे ये HIV प्रोग्रेस करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा,
उस पर्सन की बॉडी में, तो वैसे वैसे टी हेल्पर सेल्स का नंबर कम होता चला जाएगा। और ये टी हेल्पर सेल काउंट जब 200 से कम हो जाएगा पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में, तो अब हम ऐसे पेशेंट को एड्स पेशेंट बोलना शुरू कर देंगे। यहाँ आपको बता दूँ, जो नॉर्मल टी हेल्पर सेल काउंट होता है किसी एक हेल्दी पर्सन में, वो होता है अबाउट 1200 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो जब यह नंबर 200 से कम हो जाएगा तो अब यानी कि इम्यूनिटी पर्सन की काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, तो अब ऐसे HIV पॉजिटिव पर्सन को हम एड्स पेशेंट कहना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर जब हमने एड्स पेशेंट को समझ लिया है, तो अब यहाँ पर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को भी समझना ज़रूरी है। क्या मतलब होता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का? इसका मतलब ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया तो हमेशा ही प्रेजेंट हैं और वह पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारी बॉडी को डिजीज्ड करने की, लेकिन जो हमारा इम्यून सिस्टम है वह 24/7 लड़ रहा है उन माइक्रोब्स से और हमें किसी भी इन्फेक्शन से बचा रहा है। जैसे हमारे लंग्स में ये माइकोबैक्टीरियम भी प्रेजेंट हो सकता है, एक हेल्दी पर्सन के लंग्स में भी ये माइकोबैक्टीरियम प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वह लगातार इस बैक्टीरिया से लड़ रहे हैं और इसका नंबर इतना कम रख रहे हैं कि ये कोई डिजीज़ कॉज नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब हमारे इम्यून सेल्स का ही नंबर काफ़ी कम हो जाएगा तो अब ये माइकोबैक्टीरियम से उतना इफ़ेक्टिवली नहीं लड़ पाएंगे और यह माइकोबैक्टीरियम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएगा और पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस कॉज कर सकता है। तो ऐसे इन्फेक्शंस को हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि HIV एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की बॉडी में कैसे ट्रांसमिट होता है। तो सबसे पहले सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, अगर अननोन पार्टनर के साथ में इंटरकोर्स हो गया और वह इन्फेक्टेड है तो हेल्दी पर्सन की बॉडी में भी HIV ट्रांसमिट हो जाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान अगर इन्फेक्टेड मदर है तो प्लेसेंटा के थ्रू ये HIV क्रॉस हो जाएगा और डेवलपिंग फीटस को इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और आफ्टर बर्थ जब इन्फेक्टेड मदर अपने इन्फेंट को फीड कर रही है तो मिल्क के थ्रू HIV इन्फेंट की बॉडी में आ सकता है। जो ड्रग एडिक्ट होते हैं और इनडिस्क्रिमिनेटली नीडल्स यूज़ करते हैं तो उनकी बॉडी में HIV ट्रांसमिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर मिल जाता है, जैसे नर्सेज अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को इंजेक्शन दे रही हैं और उसी दौरान अगर नीडल प्रिक हो गया तो उस नर्स को भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसी तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूज़न या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के थ्रू भी इन हेल्दी पर्सन की बॉडी में HIV ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस होते हैं क्योंकि अब जो ब्लड बैंक की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो ब्लड है उसका HIV टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब हमें यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि किन कारणों से HIV नहीं ट्रांसमिट होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो HIV ट्रांसमिट नहीं करती हैं, क्योंकि यह जानकारी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है ताकि हम किसी भी तरह की प्रिजुडिस से बचे रहें। तो जैसे ये पानी और हवा के से ट्रांसमिट नहीं होता है HIV, किसी पर्सन के सलाइवा स्वेट और टीयर में HIV नहीं होता है, मॉस्किटो के काटने से या पेट के थ्रू HIV ट्रांसमिट नहीं होता है, शेयरिंग टॉयलेट्स और कैजुअल कॉन्टैक्ट से भी HIV नहीं फैलता है, हाथ मिलाने से, हग करने से और साथ में फूड शेयर करने से, तो यह सब कारण कभी नहीं होते हैं HIV के ट्रांसमिशन के। तो किसी भी प्रिजुडिस से हमेशा हमें बचाना चाहिए ताकि एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप हो सके और हम एक हेल्दी सोसाइटी का हिस्सा बन सकें। HIV के डायग्नोस्टिक टेस्ट को डिस्कस करने से पहले हम विंडो पीरियड के बारे में समझते हैं कि विंडो पीरियड क्या होता है। यह पीरियड वो टाइम ड्यूरेशन है कि पर्सन ने HIV इन्फेक्शन एक्वायर कर लिया है, लेकिन अगर वो टेस्ट करवाता भी है तो वो टेस्ट एक्यूरेट नहीं आएगा, वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि HIV वायरस कुछ हफ्तों तक हमारी बॉडी में छुपकर रहता है। तो वह वायरस किसी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट से
पॉजिटिव रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो इस पीरियड को हम विंडो पीरियड बोलते हैं, जो लगभग 4 हफ्ते का होता है। तो इस पीरियड में अगर हम ये एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉट हम करवाते भी हैं टेस्ट, तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, जबकि पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है, वह इन्फेक्शन एक्वायर कर भी चुका है और वह हाईली इन्फेक्शियस पर्सन भी है। वो किसी हेल्दी पर्सन को एचआईवी का इन्फेक्शन दे भी सकता है। तो इसको हम बोलते हैं विंडो पीरियड। यह 3 डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल हैं एचआईवी के लिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट ऐसे जिसे हम एलाइजा भी कहते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट और पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन 2 टेस्ट की लिमिटेशंस है एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉट की, कि यह विंडो पीरियड में नेगेटिव टेस्ट देते हैं, लेकिन पीसीआर इमीडिएट रिजल्ट्स हमें दे सकता है। अगर कोई सर्जन है, उसे सर्जरी के दौरान एचआईवी का एक्सपोजर मिल गया है निडल प्रिक से या किसी भी वजह से, तो वह सर्जन पीसीआर के हेल्प से तुरंत पता लगा सकता है कि उसकी बॉडी में एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और इतनी अर्ली स्टेज पर अगर एचआईवी का पता चल जाए कि बॉडी में एचआईवी का एक्सपोजर हो चुका है, तो इस अर्ली स्टेज में एचआईवी का क्योर पॉसिबल है। तो ऐसे सर्जन को एचआईवी का इन्फेक्शन फिर नहीं होगा, वह पूरी तरह से अपने आप को क्योर कर सकता है। एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट और पीसीआर के एनिमेटेड वीडियोस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। कुछ ड्रग्स एचआईवी के ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन उनके मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले हम क्योर और ट्रीटमेंट में डिफरेंस को समझते हैं। क्योर का मतलब होता है किसी भी डिजीज़ को पूरी तरह से ठीक कर देना, लेकिन ट्रीटमेंट में जो इनक्योरेबल डिजीज़ हैं उनका केवल ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। उन डिजीज़ के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन किया जा सकता है ड्रग्स के हेल्प से, और उन डिजीज़ से होने वाले डिस्कम्फर्ट के इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, एक हद तक पेशेंट को कम्फर्ट दिया जा सकता है। तो एचआईवी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन एचआईवी का क्योर पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं कि ये ड्रग्स किस तरह से काम करती हैं। तो कुछ ड्रग्स वायरस के बाइंडिंग को ब्लॉक कर देती हैं होस्ट सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स से बाइंड होकर, और कुछ ड्रग्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर देती हैं और रिट्रोवायरल आरएनए के कन्वर्जन को ब्लॉक कर देती हैं डीएनए में, और वायरल डीएनए के इंटीग्रेशन को होस्ट डीएनए के साथ ब्लॉक कर देती हैं। तो इस तरह से कुछ ड्रग्स एचआईवी के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करती हैं। एचआईवी रिप्लिकेशन और ट्रीटमेंट का एनिमेटेड वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एड्स की सही जानकारी एड्स को प्रिवेंट करने में बहुत हेल्पफुल है, बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है एड्स को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अगर हमें सही जानकारी होगी तो प्रिजुडीज नहीं होंगी और हम किसी भी एड्स पेशेंट को इल ट्रीट नहीं करेंगे ताकि उसमें कोई स्टिग्मा डेवलप हो सके, और यह बहुत इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। इस बात को नज़र में रखते हुए, इस बात का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट और एनजीओज ने कुछ एड्स अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू करे, और इन्हीं कैंपेन्स में से एक है स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन इन वर्कप्लेस का एक वीडियो, जो इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपने स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगी कि एड्स के बारे में सही जानकारी रखें, अपने आप को प्रिजुडिस से बचाएं और एड्स के पेशेंट को स्टिग्मा से बचाएं, ताकि एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप हो सके। इन दोनों पिक्चर्स को स्टडी कीजिए और कंपेयर कीजिए कि किस हद तक इग्नोरेंस की वजह से एड्स ट्रांसमिशन सोसाइटी में होता है। कि ये इस स्टडी के अनुसार एचआईवी पॉजिटिव मदर से प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग से 3.2 मिलियन चिल्ड्रन तक एचआईवी ट्रांसमिट हो जाता है, जबकि ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर प्रेग्नेंट वीमन को प्रीनेटल केयर दी जाए, प्रॉपर प्रीनेटल केयर दी जाए और ट्रीटमेंट दिया जाए, तो वह इन्फेक्टेड मदर अपने डेवलपिंग फीटस तक इन्फेक्शन नहीं दे पाएगी, लेकिन उसके लिए उसको केयर लेनी पड़ेगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एंड एचआईवी टेस्टिंग एंड काउंसलिंग, यह एक एड्स अवेयरनेस कैंपेन का एक वीडियो है, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ है जो एड्स अवेयरनेस कैंपेन्स रन करता है।
इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका निकाला एड्स अवेयरनेस को डिसेमिनेट करने का सोसाइटी में। इन्होंने रेडियो पे कुछ प्रोग्राम्स शुरू करे, कुछ मतलब एड्स अवेयरनेस कैंपेन को एंटरटेनमेंट से जोड़ दिया। तो गाने सुनते सुनते ही लोगों को एड्स की जानकारी दी जा रही है बीच बीच में। इस तरह के बहुत सारे कैंपेन्स शुरू करे गए, रन किए गए गवर्नमेंट के थ्रू भी और बहुत सारी एनजीओस के थ्रू भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन सोसाइटी तक पहुँचे, तो एड्स का डर कम हो और प्रिजडीज के चांसेस मिनिमाइज हों। इस फ्लो चार्ट में हेल्थ केयर सर्विसेज और एड्स अवेयरनेस कैंपेन्स के रोल को इंटीग्रेट किया हुआ है कि अगर प्रॉपर एड्स अवेयरनेस हो सोसाइटी में तो एड्स के अगेंस्ट फियर, प्रिजुडीज और डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एचआईवी पॉजिटिव पीपल ज़्यादा खुल के अपने आप बारे में बात कर पाएंगे और जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट के लिए सामने आएंगे, ताकि हेल्थ केयर इनकी ज़्यादा अच्छी केयर और ट्रीटमेंट कर सके और एचआईवी का बेहतर प्रिवेंशन हो सके सोसाइटी में। प्लीज़ चेक योर अंडरस्टैंडिंग बाय